नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशरूम की जबरदस्त रेसिपी। मशरूम की ये रेसिपी इतनी टेस्टी होती है, इसे खाने से पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। मशरूम की इस रेसिपी को आपका जब मन करे आप बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक की फेवरेट बन जाएगी, तो उसे एक बार तो बनाना बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने मशरूम ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 डिब्बी मशरूम ली है। या तो ये पैकेट में आती है या डिब्बी में आती है, और ये ग्राम के हिसाब से ये 400 ग्राम के करीब मशरूम है। पहले तो हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, इसको मैंने बर्तन में निकाल लिया है। सबसे पहले मैं इसे काट के तैयार करूंगी। अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया है। मैं इसके 2 भाग कर रही हूं। अगर ज्यादा बड़ी मशरूम होगी तो हम उसके 3 भाग कर देंगे। सारी मशरूम को काट कर तैयार कर ले। देखिए, मैंने सभी मशरूम को काट कर तैयार कर लिया है। मैंने एक पतीले में 2.5 ग्लास के करीब पानी उबलने रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है। अब जो ये मशरूम है ना, इसको हमने वॉश नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं इस मशरूम को इसमें डाल दूंगी और गैस को कर दूंगी हाई मीडियम, और इसको 2 मिनट के लिए इसी ढंग से उबलने दूंगी। इससे क्या होगा, ये अच्छे से वॉश भी हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी ये मशरूम है ना सॉफ्ट भी हो जाएगी। दो मिनट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे जो मशरूम है ना काफी हद तक साफ हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब एक छन्नी में से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, छन्नी में से ना मैंने इसको बर्तन में निकाल दिया है, ये थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है। मैंने थोड़ा सा दही लिया था, कम खट्टे वाला, ज्यादा खट्टा नहीं है, उसे हल्का सा फेंट लिया है। इसमें से मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच दही डाल दिया। अब डालेंगे कुछ मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, मैंने ली थी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे हाथों से मैं क्रश करके डाल रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है। ये हमने सब चीजें इसमें डाल दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे, चाहे आप हाथों से कर लें या चम्मच से, लेकिन बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए, हमने सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको ढक कर रख देती हूँ, बाकी की तैयारी करेंगे हम। अब लेंगे एक मिक्सी का जार। मैंने लिया था 1 बड़े साइज का टमाटर, जिसको रफली चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ, और मैंने लिया 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको भी ना मैं रफली चॉप करके इसमें डाल देती हूँ। मैंने लिए 3 लहसुन की कलियाँ। ये बड़े साइज का लहसुन था, मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज का लहसुन हो ना तो आप 5 से 6 कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने लिया है खसखस, जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं। इसको मैंने 2 घंटे ना थोड़े से पानी में भिगो दिया था। आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा पानी नहीं लिया मैंने। ये मैं डाल रही हूँ इसमें, इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को हमने पहले पीस कर तैयार कर लेना है। अब लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको हमने गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपात। पहले इन सब चीजों को हम चला देंगे, जो जीरा है ना अच्छे से फूल जाए। ये हो गया। मैंने ली थी 2 प्याज, जिसको बारीक काट लिया था, मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको बारीक काट लिया था। अब प्याज को भी ना हमने भून लेना है चलाते हुए, सुनहरा होने तक। देखिए, प्याज हमारी हो गई है। अब डालेंगे कुछ मसाले। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पहले तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर दें।
ये जो मसाले हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अच्छे से चला देंगे, ये हो गया। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था खसखस टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन का, वो डाल देंगे इसमें। इसको डालने के बाद भी ना हमने गैस को कर देना मीडियम और इसको भी पका लेना है थोड़ा सा। ये देखिए सब चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें मशरूम भी डाल देंगे, इसे भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने ली थी थोड़ी सी मटर 250 ग्राम, मैंने फ्रोजन मटर ली थी, मैं वो डाल रही हूँ क्योंकि इसे ज्यादा पकाना नहीं पड़ता। अगर आप फ्रेश मटर हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको पहले थोड़ा सा मसाले में पका कर डालें। अब इसे भी 2 मिनट के लिए हमने भुनना है मीडियम गैस पर ऐसे ही चलाते हुए। देखिए 2 मिनट तक हमने इस सब्जी को भून लिया है। जिस बर्तन में मैंने मशरूम रखी थी ना उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, मैंने उसी में ना 1 कप पानी डाला है, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे पानी में। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस को लो मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे लेकिन खोलेंगे 2 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मटर और मशरूम की सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इस ढंग से सब्जी बनाएंगे ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।